हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कंडेंस्ड मिल्क, कि आप घर पर कैसे कंडेंस्ड मिल्क बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कंडेंस्ड मिल्क बनाना, लेट्स स्टार्ट। तो जो कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर है जो कढ़ाई को रख दिया है। अभी मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है जो मैं इस कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। देखिए, ये मैंने हाफ लीटर जो मिल्क है वो इसमें ऐड कर दिया है। अभी इतना इसमें एक उबाल आए, इतना आप आंच को थोड़ा धीमी रखें, उसी के बाद आप इसको हाई पे करेंगे। अभी हम इसको एक उबाल आने तक छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए, मिल्क में एक उबाल आ गया है। अभी इसमें हम इसको ऐसे इसमें चमचा है उसे चला देंगे। ये मैंने हाफ केजी मिल्क लिया है, हाफ लीटर। तो इसी में मैं हाफ लीटर में 100 ग्राम शुगर ऐड करूंगी। वो मैं इसमें थोड़ी देर बाद करूंगी जब ये और थोड़ी थिकनेस में हो जाएगा। तो इसके लिए कम से कम 10 मिनट्स के करीब इसको लगेंगे। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए, मिल्क थोड़ा थिक हो गया है। अभी मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। ये मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है तो मैं उसमें 100 ग्राम्स के करीब शुगर ऐड करूंगी। ये अभी इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम 10 to 15 मिनट के लिए। 10 मिनट्स ही लगेगा आई थिंक। तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहें जिससे तली में ना चिपके। तो ये देखें, मिल्क का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी मैं इस पॉइंट पे यहाँ ऐड करूंगी मैं इसमें बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, वो 1/2 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर दूंगी। और देखिए, सोडा डालते ही एकदम फ्लफी हो जाएगा। आपको इसको बराबर चलाते रहना है और आप गैस को लो पे कर दें। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है, आपको दिख रहा होगा। अब हम फ्लेम को फिर से हाई पे कर देंगे और इसको बराबर लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। जब ये थोड़ा सा और गाढ़ा थिक हो जाए उस पॉइंट तक हमें इसे पकाना पड़ेगा। आपने देखा होगा मार्केट का जो कंडेंस्ड मिल्क होता है वो कितना क्रीमी होता है और गाढ़ा भी रहता है। तो हमारा ये उसी तरीके का बनने वाला है आज। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। आप जब भी कुछ बना रहे हो, आइसक्रीम या कुछ भी, तो कंडेंस्ड मिल्क आप बनाकर घर पे ऐसे ही रेडी कर सकते हैं। आपको मार्केट से लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे ही लगातार चलाएंगे। तो ये देखिए, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। हमारा कंडेंस्ड मिल्क बन के बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको ना ज्यादा गाढ़ा किया है ना थिक किया है। तो ये अभी ठंडा होगा तो ये थोड़ा और थिकनेस ले लेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी कंडेंस्ड मिल्क बनाने की अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एवरीवन।